नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल में। आज हम बात करेंगे आज के कन्या राशि के दैनिक राशिफल की, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। 5 अक्टूबर 2024 शनिवार का दिन है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष आज तृतीया तिथि, नक्षत्र आज है स्वाति। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:36 से लेकर 12:26 तक रहेगा। आज का सूर्य उदय होगा सुबह प्रातः 6:13 पे। चंद्रमा की आज स्थिति रहने वाली है, चंद्रमा गोचर कर रहे हैं तुला राशि पर। आज का राहु काल यानी अशुभ काल का समय रहेगा, 4:02 से लेकर 5:49 तक रहेगा। इस राहु काल में कोई भी शुभ और नया कार्य ना करने तो विघ्न बाधाएं आ सकती है। अब बात करते हैं आज के कन्या राशि के दैनिक राशिफल की, और ये प्रोडक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। कन्या राशि के जातकों, आज के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, लाभदायक रहेगा। नौकरी और व्यापार में दोनों में सफलता का योग बना हुआ है, यानी उन्नति के योग बने हुए हैं। कन्या राशि जातकों, आज धन का आगमन डबल रहेगा, बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा और आपके लिए कोई शुभ समाचार, कोई गुड न्यूज प्राप्त होगी। आपको पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी, थोड़ी सी मानसिक परेशानी हो सकती है, थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं किसी बात को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर सब्र से काम लें। कन्या राशि जातकों, आज खर्च बढ़ा हुआ है, इसी वजह से आज आपको थोड़ा सा कंट्रोल बनाए रखना होगा, अपने आप से कंट्रोल कीजिएगा और किसी की बातों में आकर कहीं पर भी पैसे इन्वेस्ट मत कीजिएगा। अगर हम आपके फैमिली परिवार की बात करें तो परिवार में थोड़ी सी कहा सुनी हो सकती है, इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर संभल के चलना होगा, संभल के रहना होगा। अपनों के साथ कोई वाद विवाद आज मत कीजिएगा। अगर अपने वाणी पे नियंत्रण बनाए रखते हैं तो आज कन्या राशि को लाभ जरूर मिलेगा, विवाद भी खत्म होगा। पारिवारिक जीवन पर फोकस बनाए रखिएगा, परिवार के साथ सामंजस्य बिठा के चलिएगा। आज अपने कार्य से सभी को प्रभावित करेंगे, आज लव रिलेशनशिप में भी मधुरता बनी रहेगी, एक दूसरे का सपोर्ट प्राप्त होगा। साथ ही आज परिवार में कुछ खुशियां देखने को मिलेगी। पैसे के लेन देन में जो दिक्कत थी, जमीन प्रॉपर्टी को लेकर जो पैतृक संपत्ति में कोई विघ्न बाधा थी, वो दूर होगी। रिश्तों में मधुरता रहेगी आज के दिन। आज आपको लव पार्टनर की तरफ से भी कोई अच्छा सा शुभ समाचार मिलेगा, जो आपके लिए खुशी से झूम उठोगे। साथ ही आज आपकी लव लाइफ ठीक है और परिवार में ठीक है, साथ ही मानसिक थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत होगी, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा काम काज को लेकर, अनावश्यक चीज़ों को लेकर, तो स्वास्थ्य का थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना होगा। करियर की बात करें तो आज आपको बड़े अधिकारियों से सपोर्ट प्राप्त होगा, तालमेल बेहतर बना के चलें, लाभ की स्थिति बनी रहेगी, कारोबार को लेकर काफ़ी धन की स्थिति अच्छी है, कारोबार अच्छे चलेगा, व्यापार में उन्नति है, आज व्यापार में आमदनी बढ़ेगी। और नौकरी पेशा है तो अपने कार्य से सभी को प्रभावित करेंगे, कई महत्वपूर्ण आज कार्य बनेंगे, लगातार आप अपने कार्य से सभी को प्रभावित भी कर सकते हैं, अनावश्यक कार्यों से आज बचना भी होगा, व्यापारी वर्ग को धन का लाभ होगा। आज चूंकि देखिए इसमें शारदीय नवरात्रि चल रही है, तो इसलिए माता रानी के आज तीसरे दिन विधि विधान से माता रानी की पूजा आराधना करें, साथ ही उन्हें लाल पुष्प लाल फल अर्पित करें और माता रानी की प्रिय चीजों से उनकी आरती करें, मंत्रों का जाप करें, विशेष लाभ होगा आपको। आज किसी की मदद कर सकते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक से लोन वगैरह मंजूर हो सकता है, कारोबार को लेकर चिंताएं दूर होंगी, कई ऐसे कार्य पूरे होंगे जो काफ़ी समय से रुके हुए कार्य थे, पेंडिंग कामों को भी पूरा कर पाएंगे। साथ ही भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा और धन की स्थिति भी काफ़ी अच्छी होगी। हाँ, लेन देन ना करें, किसी को उधार कर्जा ना दें और आज किसी की बातों में अगर कहीं पर भी इन्वेस्ट मत करिएगा, जमीन प्रॉपर्टी में लाभ हो सकता है। तनाव से बचिएगा और शारीरिक तनाव से भी बचना होगा, बाहरी लोगों से भी बचना होगा, अपनी यानी गुप्त बात शेयर किसी से न करें। आज आपका शुभ रंग रहेगा हरा, भाग साथ निभाएगा 82%, शुभ भाग्य अंक रहेगा 5। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मां लक्ष्मी।